आज यूट्यूबर सारे कोई ये क्या हो गया अब तक एक दूसरे की वीडियो देखते थे, आज हम एक साथ साथ हैं और फेस टू फेस तो पहली बार मिले। नहीं, हम लोगों तो आपस में पहचान लिए, बस इनको थोड़ा सा मैंने नहीं देखी थी। ये बताओ मतलब कि फोन में ऐसी लगती है या तो यहाँ आपने देखा है जैसे कि हम लोग सब एक साथ हमें इकट्ठा हो गए, मिल गए हैं पार्क में। हम आगे जा रहे हैं जिससे कि हमें आगे बैठने के लिए और झूले वगैरह हैं, बच्चे वहाँ झूलों पर मस्ती कर लेंगे, अपना झूल लेंगे, उसके बाद हम लोग बैठ लेंगे। तो यहाँ पे इंडियन ब्लॉगर बुलबुल हैं, मेरठ यूट्यूबर शोभा और दीपक दिया खन्ना ब्लॉग मेघा, जिसको आप सभी सब जानते ही हैं। तो हम सारे और मैं कुसुम फैमिली ब्लॉग सब इकट्ठे हो गए। मैं यहाँ दिखा रही थी गिलहरी जिनका दाना वगैरह डाला हुआ एकदम पास से, कैसे मस्ती से भागी फिर रही थी। तो मैंने कि थोड़ा सा आपको भी दिखा देती हूँ। और पार्क काफ़ी बड़ा था और बहुत सुंदर था। यहाँ देखे किस तरीके से ये भी भागे फिर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। भाई पार्क में तो कहते हैं पक्षी भी मस्ती कर लेते हैं, हम तो इंसान हैं। तो आप देखना ना भूलिए, आगे तक मेरा वीडियो देखिएगा ज़रूर। हम सब ने बहुत सारी मस्ती की है, तो आप लोग भी हमारे साथ में। हेलो, हाय, आपका क्या नाम है? सिमरन। क्या करते हो? मैं बी एल एल बी कर रही हूँ, थर्ड ईयर। बने रहिए और मस्ती कीजिए, आप लोग भी इंजॉय करिए हमारे साथ में। हमने बहुत सारा इंजॉय किया है वहाँ पे, बहुत मस्ती की है सबके साथ में, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे बोटिंग वगैरह होती है, तो ये यहाँ पे आपको दिखाई दी बहुत सारी बतख थी। तो हम सब बच्चे भी बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि ये होता है ना, आप लोगों को पता है लॉकडाउन में बच्चे भी कहीं इधर उधर नहीं जा पाए, तो उनको भी थोड़ा सा अच्छा लग रहा था कि मस्ती वगैरह हो जाएगी। और हम सब लोगों को भी नए नए लोग मिल रहे थे, और बस यहाँ हम सब लोग बैठ गए। बैठने के बाद में हम लोग कुछ देर ऐसे ही बातें करी हैं, क्योंकि देखिए थोड़ी देर बातें करना भी और एक दूसरे को जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ही बातें कर रहे थे हम लोग, पूछ रहे थे सबकी फैमिली में कौन कौन मेम्बर हैं, और थोड़ा अपना यूट्यूब के बारे में ही आपस में बातचीत कर रहे थे। तो यहाँ पर बैठे हैं उधर दिया और वो कौन सी नई जगह है उसके लिए, जब उसका मायका ही है ससुराल भी है। मोदीपुरम में वहाँ पे भी तो बेचैनी रही थी ना, जब तक आप लोग नहीं आए थे। झूला जाना है, झूले पे जाना है, देख रही है झूला झूलने से हुआ है जो झूला झूलते हैं बच्चे। डर गई हो? देख रही है ध्यान से, ध्यान से देख रही है कि मेरे कुछ हो। और यहाँ पे हो रही है हमारी पिज्जा पार्टी। तो सब लोगों ने मतलब मेघा ने और शोभा ने मिलके अरेंज किया था, सबने नहीं, उन दोनों ने ही अरेंज किया है। और ये सब दोनों का ही आइडिया था कि हम पिज्जा पार्टी करेंगे। तो बस बच्चों को भी इतना खुशी हुई, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं ना, बच्चों को बहुत ये सब अच्छा लगता है, कुछ कुछ खाने पीने का। और पार्क में बैठ करके पिकनिक करने का तो मज़ा ही अलग है, आप लोगों को पता ही है कि चाहे हम घर से खाना लेके जाएं या बाहर से, और वैसे भी पिज्जा पार्टी थी तो मज़ा तो आने ही वाला है। पहले दूसरे क्लास में डाल के तब निकालो, पता भी नहीं चलेगा। नहीं निकलेगा तो पेट में जाता है फिर वो दो बूंद जिंदगी की, दो बूंद हाथ भी खराब कर देता है। अभी स्टार्टिंग है, उसी से ठीक हो जाएगा। उसी को जैसे मैं पूजा करने बैठती हूँ ना, तो उठा जाता हूँ।
हाँ इसमें टेढ़े से हैं वो सेट करने के लिए भी। आंटी प्रसाद तू खड़ी रह पर देखती रह। आप तो कमी तो कमी डालते हैं, हमें तो कमी डालती है। यहाँ पे हमारी पार्टी वगैरह लगभग हो गई खत्म, उसके बाद में अब हम यहाँ से चलेंगे। लेकिन दिया को बार बार लग रहा था बस झूले पे ही झूलना, झूले पर ही झूलना है। वो राखी को एक जगह नहीं रुकने दे रही थी। सबको आता है वही दिक्कत। कोई यूट्यूबर ये नहीं बोलेगा कि हमें टाइटल इजी हो जाता है डालना, सब बोलेंगे। ये सबसे बड़ा मैं वही तो कह रही हूँ, यूट्यूब को ना ये अपने फोकस में रखना चाहिए था कि हम तुम वीडियो बना टाइटल हम डालेंगे। ये सही है क्योंकि हमें नहीं डालना पड़ता, हमें सिर दर्द लेने की जरूरत नहीं है। पूरा दिन टाइटल नहीं सोच, चाहे वीडियो में कुछ मत दिखाओ, नहीं कर पाती हूँ। सोच लो फिर भी टाइटल ये राखी को दे देना दीदी, वो झूला झूल रही हूँ, वो तो वहाँ खड़ी है। चलो सबके साथ मिले मस्ती होगी। मेरठ यूट्यूबर मुझे आपकी नर्सरी का नाम पता है। अच्छा प्रदीप नर्सरी नहीं बता सकते ना हम तो उंगली रोक ही लो जब तक। ढेर सारी मस्ती करने के बाद में अब हम यहाँ पे चलने के लिए हो गए तैयार। उसके बाद थोड़ी देर यही था कि चलो फोटो शूट कर लेते हैं, भाई बनता है। हम लोग गए आपस में तो वीडियो तो बहुत बन गई लेकिन फोटो वगैरह नहीं खींचे। तो आप देख सकते हो पार्क में कितना सुंदर लग रहा है ना। तो बस हमने यहाँ कुछ देर फोटो वगैरह क्लिक किए हैं, उसके बाद में हम निकल जाएंगे घर के लिए। बहुत अच्छा लगा सबसे मिलने के बाद में, सबको थैंक यू सो मच, शोभा को, बुलबुल को, मेघा को। अब यहाँ हम पार्क के मतलब बाहर पहुँचने ही वाले हैं, बस जस्ट पहुँच गए हैं, गाड़ी खड़ी है, अब यहाँ से हम विदाई लेंगे। आज अब तो हम आपको ही दिखाएंगे। तो यहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा दिखाया, उसके बाद में हम हो रहे हैं यहाँ से विदा। क्योंकि फिर वही लग रहा था कि टाइम से मुझे गाजियाबाद भी पहुँचना था। मैं तो गाजियाबाद में मतलब रहती हूँ, आप लोगों को पता ही है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ से सूट वगैरह, एक क्लिप मेरी थोड़ी आगे पीछे हो गई है, ये पार्क का ही है। यहाँ मैं आपको दिखा रही थी मतलब जब चल रहे थे ना पार्क से बाहर आने के लिए, ये तब का ही है। थोड़ा सा पार्क का भी मैंने सीन आपको और दिखाया है, बाहर की साइड का जहाँ से हम एंट्री करते हैं वहाँ उसके पास का ही है ये वाला सीन। तो घुमा करके उसके बाद हम गेट के बाहर निकलेंगे और फिर वो ये सब अपने अपने घर चले जाएंगे। लेकिन सच बताऊँ घर आकर के थोड़ा सा मन नहीं लगा क्योंकि पूरे दिन हमने इतनी मस्ती करी है। तो बस यहाँ पे देखिए हम लोग निकल गए, ये मेरठ कैंट के बाहर का रोड का है, उसके बाद हम चले जाएंगे गाजियाबाद और ये सब चले गए मेरठ अपने अपने घर। सबसे मिलके अच्छा लगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वीडियो शूट नहीं कर रही हो, आप लोगों से कुछ देर बातें करूंगी। जैसा आपने मेरा वीडियो देखा है तो मैं पहुंच गई अब घर।
मेरठ से, तो एक्चुअली रात में लेट हो गए थे तो वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, मतलब एंड नहीं कर पाई थी उसका। तो आज है 2 फरवरी, तो मैं कि चलो वीडियो का एंड कर लेते हैं। और सच बताऊँ मेरठ में सबके साथ बहुत अच्छी मस्ती करी थी हम लोगों ने, आपने जैसे वीडियो में देखा ही है। और कई बार ऐसा होता आता है ना, देखो हम किसी को जानते नहीं है लेकिन फिर भी मिल करके कितना अच्छे से हमने मस्ती करी थी, सभी एक दूसरे के साथ में अच्छे से घुल मिल गए थे। क्योंकि मेघा को तो मैं पहले भी एक बार मिल चुकी हूँ, आप लोगों को जैसे पता ही है सबको, फ़ोन पर बहुत सारी बातें हमारी हो गई थी। शोभा से भी मेरी बहुत बार बातें हुई हैं लेकिन फेस टू फेस पहली बार मिली थी। बुलबुल को तो मैंने देखा ही, झूठ बोलूँ पहली बार ही था, लेकिन उनको देखकर जरा सा भी नहीं लगा कि हम पहली बार मिल रहे हैं। बच्चे आपस में सब ने खूब मस्ती करी, भाभी ने भी सबको, भाभी तो बल्कि सबसे पहली बार ही मिली, क्योंकि देखो भाभी को सब लोगों ने चाहे वीडियो में थोड़ा बहुत देखा होगा लेकिन ना तो बात हुई थी किसी से फ़ोन पे ना कुछ, ना भाभी तो वीडियो देखती हैं और उन्होंने भी थोड़ा बहुत वीडियो में देखा होगा, लेकिन ऐसे तो भाभी पहली बार ही मिली थी। तो भाभी भी सबके साथ में अच्छे से घूम मिल के हमने खूब मस्ती की, पिकनिक में करी हमने, खाने पीने की चीज़ें खूब अच्छे से। सच बताऊँ बहुत एक दिन का होता है ना कि थोड़ा काम से और उससे अलग एक रूटीन सा, तो वो हमारा एक अच्छा रहा। थैंक यू सो मच आप तीनों का कि इतना प्यार, शोभा, मेघा और बुलबुल इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया। और ये सारा आइडिया मेघा का था कि आप लोग आओ मेरठ और हम सब भी यहाँ से मिलके एक साथ हम मस्ती करते हैं। उनका काफ़ी टाइम से हो रहा था, हमारी बातचीत हो रही थी लेकिन कई बार क्या हो जाता है, कभी कुछ हो रहा जाता, कभी कुछ हो रहा था, तो हम लोग नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन सडनली उस टाइम पे एकदम से अचानक से ही प्रोग्राम हमारा बना था कि कल मिलेंगे, तो बस कहते हैं ना कुछ अचानक से प्रोग्राम बनते हैं तभी हमारे सक्सेसफुल होते हैं, पहले से बना के नहीं हो पा रहा था। तो आप सब लोग भी प्यार करना, मेरठ यूट्यूबर शोभा, दीपक दिया खन्ना ब्लॉग, मेघा उनका तो आप सब करते ही हैं, और इंडियन यूट्यूबर बुलबुल, तो उनको भी आप सब प्यार करना, सपोर्ट करना इसी तरीके से, और मुझे भी करना। तो देखिए कैसा वीडियो लगा, आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और सारी लोगों के साथ हम खूब ढेर सारी मस्ती हुई है, उसके लिए आप सभी को फिर से एक बार दिल से थैंक यू सो मच। फिर कभी मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारी यूट्यूबरों के मैसेज आ रहे थे कि दीदी हमें नहीं बुलाया, हमें नहीं बुलाया। कि देखिए ऐसा नहीं है कि बुलाने के लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें बहुत सारे आपस में नंबर वगैरह नहीं पता है, लेकिन फिर किसी दिन फिर मिलेंगे सारे, फिर से मस्ती होगी। हमने ये मिल करके, और आप लोग कई बार देखो ऐसा देखा भी है यूट्यूब पर कि होता है ना कि अरे यूट्यूब पर हम भरोसा नहीं कर सकते, वहाँ अच्छे दोस्त नहीं मिलते हैं। ये आप लोगों ने देखा होगा कि अच्छे दोस्त भी मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि अच्छे दोस्त नहीं मिलते हैं, अपने आप भी अच्छा होना पड़ता है और सामने वाले अच्छे दोस्त हमें मिलते हैं। जैसे आपने देखा ही, हमने तीनों चारों ने मिलकर कितनी मस्ती की है, कितना धमाल किया है। अगर हम अच्छे दोस्त नहीं होते, हमारी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तो हम इतना मस्ती धमाल नहीं कर पाते। तो आप सबको थैंक यू सो मच। और मैं मेघा के घर गई थी, आपने जैसे मेरा वीडियो में देखा, क्योंकि उसमें क्या है हमने बहुत सारी आवाज़ें छोड़ी थी ना, तो बहुत ज़्यादा बात करने का मौका नहीं मिला। इसमें अब मुझे लास्ट में मौका मिला है, तो मैं मेघा की मम्मी से, आंटी जी से मिली थी। और सच बताऊँ बहुत प्यारी हैं, क्योंकि एकदम ऐसे मिलती हैं उनको भी जैसे मेघा से, और उनसे इस तरीके से कौली भर के मिली थी। बहुत अच्छा प्यार उन्होंने हमें दिया है। और सेंकी तो एक छोटे भाई की तरह, आपने वीडियो में भी देखा, जाते एकदम पैर छूना वो जैसे मेरा छोटा भाई करता है, सच में मुझे सेंकी बिल्कुल ऐसा ही दिखता है। बहुत अच्छी फैमिली है, बहुत स्वीट फैमिली है। ऐसा नहीं है कि वीडियो में दिखती है कि कोई सामने बनावटी वगैरह, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि वीडियो से मुझे सामने एकदम और ज़्यादा अच्छे से वो बातचीत करने का और अच्छी हैं। तो मेघा थैंक यू सो मच। सच बताऊँ बिल्कुल भी नहीं लगता है कि हम लोग पहली बार या फिर कभी पहले से नहीं जानते हैं। और राखी देखो, राखी भी हमारे साथ में इतने अच्छे से प्यार से, क्योंकि राखी तो हम सबको भाई नई है, नए हम उनके लिए, तो राखी भी हमारे साथ खूब इंजॉय किया, दिया ने खूब इंजॉय किया, शोभा की बेटी ने भी, बुलबुल की बेटी ने, और मेरी ने भी। मेरी सबसे बड़ी है बेटी, तो वो हमारे साथ में, लेकिन सभी बच्चों ने भी खूब मस्ती की है। तो कैसा वीडियो लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, लाइक करने में आप लोग जो भूल जाते हो तो लाइक कर दिया करो। तो चलिए कल मिलूँगी और एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। कल का वीडियो भी आप लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, मतलब एक अच्छा वीडियो रहेगा, एक अच्छा मैसेज रहेगा जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगी। डेट पे आ गए थे, तो आप लोग प्यार सपोर्ट जरूर करना। और वीडियो तो मुझे वो आज 2 तारीख को, लेकिन मेरी ये वीडियो पहले से ही आप लोगों को पता है पार्ट 2 मेरठ की बनी हुई है, इसलिए मेरी ये 2 तारीख वाली वीडियो आप लोगों के पास में कल 3 में ही जाएगी, नहीं तो मैं आज ही डालती इस वीडियो को, क्योंकि मैंने किसी के ऊपर वीडियो ये बनाई है तो कल देखने के लिए बनता है। तो आप प्लीज़ कल का वीडियो मिस मत कीजिएगा। चलिए कल मिलूँगी आपको, तब तक के लिए बाय बाय।